बाद हम आगे पाठ पढ़ेंगे। हमारी अवर इसे हर बहुत टू मच दुधारू मिल्च बछड़ा काफ उसका हर हम वी। अब मैं पाठ पढ़ के आपको थोड़ा बता देती हूँ। यह हमारी गाय है, हम इसे गौरी कहते हैं। गौरी बहुत सीधी गाय है, वह दुधारू है। वह रोज 6-7 लीटर दूध देती है। गौरी को एक बछड़ा है, उसका नाम लालू है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। क्या था हमारा पाठ? एक गाय और उसके बछड़े पे पूरा पाठ है। गाय के बारे में बताया कि ये हमारी गाय है और इसका नाम क्या है? गौरी। गाय का नाम गौरी। गौरी बहुत सीधी गाय है, वह दुधारू है, मतलब बहुत दूध देती है। वह रोज 6-7 लीटर दूध देती है। कितना देती है? तो 6-7 लीटर। गौरी को एक बछड़ा है और उसका नाम क्या है? लालू। जो गाय का बच्चा है उसका नाम है लालू। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे हमारा पाठ पूरा हुआ और अब आ जाता है एक्सरसाइज स्वाध्याय। एक, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। बहुत, टू मच, बछड़ा, काफ, दुधारू, मिल्च, हम, वी। हमने स्टूडेंट्स पहले शब्दार्थ पढ़ लिए, उसमें काफ़ी कुछ हमें मिल गया है। यहाँ से एक दूसरे में आपको लिख देना है। नंबर 2 आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। एक, गाय का नाम क्या है? उत्तर होगा गाय का नाम गौरी है। दूसरा, गाय कैसी है? तो उत्तर होगा गाय बहुत सीधी है। तीसरा है, गाय रोज कितना दूध देती है? गाय कितना देती है? शॉर्ट में लिख दिया हमने 6-7 लीटर। आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, गाय रोज 6-7 लीटर दूध देती है। चौथा है, लालू किसका नाम है? तो चौथा प्रश्न का उत्तर है हमारा बछड़े का। और हम इसे पूरा लंबा लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लालू बछड़े का नाम है। हमने यहाँ पे थोड़ा उसे छोटे लिख दिए हैं, उत्तर है तो हमने थोड़े छोटे लिखे हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, लिखा ना हो। एक, गाय का नाम क्या है? गाय का नाम गोरी है। गाय कैसी है? गाय बहुत सीधी है। गाय रोज कितना दूध देती है? 6-7 लीटर। लालू किसका नाम है? बछड़े का। आप देख सकते हैं सभी आपके उत्तर यहाँ पे स्क्रीन पर। तीन नंबर आ जाता है, दूध देने वाले अन्य प्राणियों के नाम लिखिए। अब आपको पता है दूध और कौन से अन्य प्राणी देते हैं? गाय तो देती है, भैंस भी देती है, फिर बकरी भी दूध देती है। इसी तरह से आपको जिन जिन जानवरों की जानकारी है वो अब आप अपने आप से लिखेंगे क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा पाठ 13 है पूरा हो गया और अब हम आ जाते हैं पाठ नंबर 14 पे और उसका नाम है मैं मक्खी हूँ। यहाँ पे भी कुछ शब्दार्थ दिए हैं, पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। मक्खी, बी, बीमारियाँ, डिसीज, साफ सुथरा, क्लीन, मोहल्ला, स्ट्रीट, गंदगी, फिल्थ, कौन, हु, जगह, प्लेस, भलाई, गुडनेस, परिवार, फैमिली। अब मैं पाठ पढ़ लेती हूँ और आपको समझा देती हूँ। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती हैं। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मेरे नाने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। यहाँ पे मक्खी अपने विषय में कुछ जानकारी दे रही है कि मैं मक्खी हूँ और मुझे कौन नहीं जानता।
भी मीठा या कुछ भी गिरा वहीं तुरंत मक्खी आ बैठती है, सभी आप लोग जानते हैं। जहाँ क्लीन होगा, जहाँ सफाई होगी, वहाँ मक्खी नहीं आती। तो यहाँ लिखा है मैं सफाई से दूर भागती हूँ, क्योंकि उसे तो गंदगी पसंद है। गंदी चीज़ों में लोगों के जंतु रहते हैं और जंतुओं को उठा के घर घर फैलाती है मक्खी का ये काम है। बहुत सी बीमारियाँ इन्हीं जंतुओं के कारण फैलती हैं, क्योंकि मक्खी क्या करती है, जंतु यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया वहाँ ऐसे इधर उधर फैला देती है, और जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। बीमारियों से बचने के लिए हमें हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए। सफाई होगी तो मक्खी वहाँ पे नहीं आएगी, और मक्खी के ना आने पर ही हमारी और हमारे परिवार की भलाई है। यहाँ पे ये पार्ट इतना ही था स्टूडेंट्स, और पूरी मक्खी के बारे में कुछ जानकारी थी। स्वाध्याय आ जाता है, एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, और नंबर एक, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। पहले ही हमने शब्दार्थ पढ़े, उसमें हमें काफ़ी शब्द मिल चुके हैं, और अब मैं पढ़ देती हूँ। मक्खी, बी, गंदगी, फिल्थ, कौन, हू, बीमारी, डिसीज, जगह, प्लेस, भलाई, गुडनेस। ओके, एक नंबर पूरा हुआ। नंबर दो पे आ जाते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, क्वेश्चन आंसर आ गए। एक है, मक्खी कहाँ पाई जाती है? उत्तर होगा मक्खी गंदगी में पाई जाती है। नंबर दो, मक्खी किससे दूर भागती है? उत्तर होगा सफाई से। नंबर तीन, रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? उत्तर है गंदी चीजों में। नंबर चार, किससे बचने में हमारी भलाई है? तो उत्तर होगा हमारा गंदगी से बचने, और मक्खी न आने में ही हमारी भलाई है। एक तो आप गंदगी से बचो, और दूसरा मक्खी को अपने आसपास आने ना दो, तो ही हमारी भलाई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो पार्ट 14 है वो भी पूरा हुआ। थोड़ा मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। तो हमने पहले पार्ट कर लिया था 13, और 13 पार्ट में हमें क्या क्या लिखना है नोटबुक में। राइट क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इन नोटबुक। आपको 1 और 2 जो क्वेश्चन है, 1 और 2 आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। नंबर 1 पे हमें क्या लिखा है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए, वो पूरा लिख देना है। और नंबर 2 पे तो प्रश्न उत्तर है 1 से लेकर 4 तक, तो वो आपको पूरे आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं। अब आ जाते हैं हम, कहाँ जाते हैं, पार्ट 14 पे। और 14 में भी सेम थिंग है। पहले नंबर 1 है जो, उसमें लिखा है हिंदी शब्द और उसके सामने लिखे हैं इंग्लिश, तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, देख लीजिए, या अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और वापस दूसरे नंबर का जो आ गया हमारा, वहाँ पे 1 से लेकर 4 प्रश्न होता है, वो भी हम हमारी नोटबुक में जरूर जरूर लिखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम लेसन जो लेने वाले हैं वो होगा हमारा 15 नंबर का लेसन नंबर 15, और उसका नाम है सो डू को सीख मिली। तब तक के लिए बाय एंड